तो हेलो, आज कैसे आप सभी लोग? हैप्पी होली टू एवरीवन। शायद वीडियो आने में लेट हो जाए, पर मैं ये वीडियो को होली के दिन ही बना रहा हूँ। और हाँ, क्या आप लोग मेरी तरह माइनक्राफ्ट के एनिमेशंस बनाना चाहते हो? तो इस वीडियो पर क्या कर रहे हो? जाके यूट्यूब पर वीडियो देख लो, मैं नहीं बताने वाला। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, पर आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो पर लाइक कर दो, ठीक है? अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीटो 3D ओपन कर लेना है। मगर क्यों? अरे भाई, इसी से एनिमेशन ये सब बनेंगे पूरे। यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको तीन लाइन जो है उसे क्लिक करना है, फिर आपको 3D इंपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने जहाँ पे अपना रिग या कोई भी 3D मॉडल आपने सेव करके रखा है वहाँ पर जाके आपको वो क्लिक कर देना है, वो अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। और हाँ, याद रखना है इम्पोर्ट डालना एक्सपोर्ट में। और फिर आपको ये पूरा का पूरा एडिट करना है अच्छे से, टेक्सचर लगाने हैं, मॉडल करना है। मैंने अपने स्किन का टेक्सचर इसमें लगा दिया है भाई, और अभी से एडिट कर रहा हूँ। इसका हेलमेट पहना दिया मैंने, अभी से थोड़ा मॉडलिंग करेंगे, इसे टच देंगे, फाइनल टच। और हाँ, ये जो प्लेन है ये आपको यहाँ नीचे लगा देना है। इसे आप ग्रीन स्क्रीन की तरह यूज़ करना है ताकि आपको बैकग्राउंड चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास पिक्सआर्ट का सब्सक्रिप्शन है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्सआर्ट में बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के आपको बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। मगर एक डेसी चुवार के लिए पैसे बचाने के लिए मैं वीटा से करता हूँ, और वहाँ से क्रोमा किसी यहाँ ग्रीन स्क्रीन हटा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो भाई। और हाँ, जरूरी नहीं कि आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करो, आपको वो कलर यूज़ करना है जो कि आपके, जैसा कि मेरे स्किन में ग्रीन कलर नहीं है तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर यूज किया है। अगर आपके स्किन में पिंक कलर नहीं है तो आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो भी कलर आपके स्किन में या 3D मॉडल में नहीं। मेरा पूरा मॉडलिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से रेंडर करेंगे, वाटरमार्क अनलॉक कर दिए और यहाँ से हम लोग ने रेंडर कर लिया। आपको ऐसे गैलरी में कर देना है, फिर वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आपको ये ले जाकर वीटा में जाना है। फिर वीटा में जाने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, फिर आपको जो इमेज चाहिए वो आपको क्लिक कर लेना है, उसे रख लेना है। फिर आपको उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाना है अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो मैंने उतने ज़्यादा नहीं बढ़ाया। और फिर आपको यहाँ पर PIP पे क्लिक करना है, फिर आपके जो ग्रीन स्क्रीन वाला था ना मॉडल उसे क्लिक करना है, फिर क्रोमा किसी आपको कलर पिक कर लेना है। और यहाँ पर मैंने शायद पीछे छोड़ दिया था कुछ कलर, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग। और हाँ भाई, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसे से थंबनेल या लोगो बना सकते हो, आप लोग एनिमेशन बना सकते हो इसके तरह, जैसे कि मैंने बनाया था। आप लोगों ने शायद वीडियो भी देख लिया होगा, शॉर्ट वीडियो, नहीं देखा तो जाकर देख लो। यहाँ पर आपको ये एनिमेशन कुछ ऐसे बनते हैं कि आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है, फिर आपको की फ्रेम कहीं कहीं पर लॉक कर देना है, जिससे कि आपके मूवमेंट होते रहेंगे आपके मॉडल के, जैसे कि मैंने किया। वहाँ पर एक की फ्रेम लॉक था, यहाँ पर की फ्रेम लॉक है, जैसा कि ऐसा काम कर रहा है वैसा ही आपको सारे मॉडल्स काम करेंगे। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो मैंने एक रनिंग या वॉकिंग साइकिल का भी बना रखा है। अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं इसका भी ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा। यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे की फ्रेम लॉक किए हुए, और यहाँ पर लाइट लगाया है मैंने, रोशनी के लिए लगाया। फिर आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपने ये वीडियो तो शायद देखा ही होगा, जिसमें कि एक गिटार से और एक मेरा एक फ्रेंड रहता है जो कि मुझे मारता रहता है, और फिर उससे एक ट्यून बन जाती है, तो वो एक कॉमेडी वीडियो था, शायद आपको समझ में आया हो चाहे नहीं। फिर यहाँ पर कभी कभी जो है ना ये टेक्सचर वाले थोड़े ब्लेंड हो जाते हैं, तो आपको इसे ऑफ कर देना है ताकि अच्छे से लुक आए। फिर ये देखो, यहाँ पर भी मैंने कहीं कहीं पर क्री फ्रेम लॉक किया था, फिर ये ऐसा बन पाया है, देखो भाई कितने स्मूथ है। और हाँ, आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो भाई ड्रैगन वाले, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे की फ्रेम लॉक कर चुके हैं अपने पोजीशन के लिए, क्योंकि ड्रैगन जो है वो उड़ता है, ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर इतना स्पीड है, आपको वहाँ पर जाकर रेंटर वाले पर डालना है, फिर 200 है उससे आपको 30 पे कर देना ताकि इसका थोड़ा मोशन स्लो हो जाए। और फिर आप देखो भाई इसका स्लो हो गया, जो ड्रैगन ऊपर नीचे हो रहा था मैंने अपने पोजीशन का की फ्रेम लगा रखा है कि ऊपर नीचे पोजीशन होता रहे उस टाइमिंग पे। यहाँ पर देखो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो देखो भाई रनिंग ट्यूटोरियल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप मैं एक नेक्स्ट वीडियो लॉन्गर रनिंग और वॉकिंग साइकिल ट्यूटोरियल पर, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जल्दी जल्दी शेयर करो, और मुझे कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।